दिल्ली विधानसभा में आज भी खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से सदन के अंदर मणिपुर और दूसरे मुद्दे भी उठाए गए। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुद्दों की बजाय सरकार दूसरे राज्यों के मुद्दों पर चर्चा करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट से। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। हमारे साथ बीजेपी के दो विधायक मोहन सिंह बिष्ट और ओम प्रकाश शर्मा जी मौजूद हैं। मोहन जी, आज क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है विपक्ष की तरफ से? कल हमने देखा आपने डीटीसी का मुद्दा उठाया, दिल्ली जल बोर्ड का मुद्दा आया, फेलोशिप पर भी आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज आपकी तरफ से क्या कुछ मुद्दे उठाए जाने हैं सदन में? नहीं, निश्चित रूप से ये जब हाउस का बिजनेस आएगा उसके बाद ही पता लगेगा कि किन किन विषयों पर सरकार चर्चा करना चाहती है। जिस प्रकार की बर्बली तौर पर हम सब लोगों ने सुना कि मणिपुर पर चर्चा करने की, जबकि ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। दिल्ली को आप संभाल नहीं पा रहे, दिल्ली के बारे में आप चर्चा कर नहीं पा रहे, दिल्ली में अधिकारी तुम्हारी सुनने से कतई उन्होंने मना कर दिया है, आपके ऑफिसर गैलरी पूरी तरह से खाली होती है, आप संविधान के अनुसार हाउस को नहीं चलाना चाहते। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार अपने ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप उनके विधायकों द्वारा लगाया जा रहा, कल यदि हम पानी का देखें तो उनके विधायकों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि सरकार पूरी तरह से फेल है। इससे पहले भी मणिपुर और नू के मुद्दे को लेकर खासा जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो काफी ज्यादा बीजेपी पर हमला बोलती नजर आई है, तो सदन में भी उम्मीद है कि इसी पर चर्चा हो सकती है? ना, निश्चित रूप से यदि इस पर चर्चा होगी तो चर्चा में हम बताएंगे कि नूह के अंदर किन लोगों का इस दंगे को भड़काने के लिए किन लोगों ने काम किया। और यदि हम मणिपुर का देखें तो मणिपुर के बारे में कोर्ट का क्या स्टेटमेंट था, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट की वजह से किन बातों पे से वो इस प्रकार का दंगा स्टार्ट हुआ, उसमें केंद्र का कोई लेना देना नहीं। लेकिन सबसे बड़ी ये है कि केजरीवाल साहब से दिल्ली तो संभाली नहीं जा रही है, और बात पूरे देश की करते हैं, पहले तुम दिल्ली को संभाल लो ना। दिल्ली के अंदर ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क। तरफ से कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर लगाया गया हो किसी मुद्दे को लेकर? हमारे यहाँ से 12 हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में 12 चीजों की सूचियां भेजी है कि इन पर चर्चा की जाए, लेकिन सरकार उन विषय बिंदु पर चर्चा नहीं करना चाहती है। सरकार जान बूझ करके बचना चाहती है, और अपने बचने के लिए और अपने वावाई लूटने के लिए, दिल्ली के इस कोरम को पूरा करने के लिए इस प्रकार के बेफिजुल के बाहर के मुद्दों को दिल्ली के अंदर, यदि वास्तव में तुम सरकार चलाना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको पानी पर चर्चा करें, बिजली पर चर्चा करें, स्कूलों पर चर्चा करें, यमुना की सफाई पर चर्चा करें, शिविर पर चर्चा करें, डेवलपमेंट पर चर्चा करें, भ्रष्टाचार पर चर्चा करें। आज ये भ्रष्टाचार शीश महल का जिस प्रकार का मामला उठा उस पर एक बात बोलने को तैयार नहीं है। आप हाउस को ठीक ढंग से नहीं चलाना चाहते, पूरी प्रक्रियाओं को आपने एकदम से ठंडे बस्ते के अंदर क्या कूड़े दान में डाल दिया है। आप चर्चा नहीं करना चाहते, चर्चा से भागना चाहते, इसलिए मणिपुर जैसे मुद्दे को लेकर के केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक मोहन सिंह बिष्ट, जिन्होंने सीधा आरोप लगाया कि दिल्ली के मुद्दों की बजाय दूसरे राज्यों के मुद्दे को उठाने में सरकार ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। कैमसन शूरवीर के साथ प्रणय शर्मा, टूल टीवी, दिल्ली।